マイラジ。パラムプジニア・スワミジ、バーラッツ・ワズマン・ケ・サビ・サマン・ニア・ベノ・バイオ、ウィシュ・ムクト・ケティ・オー・サムルド・キサン、イス・ウィシェ・パーメアプセ・バーッカ・ウング、ハマレ・バーラッデシメ、エッボハト・プーランニ・カハワテ、オー・ウス・カハワテメ・エサ・カハジャータヘ、ウッタム・ケティ・マディアム・バーン、カレ・チャークリ・コカ・ネダン、イ・ヒンディメ・カハワテ、इसका अर्थ ये होता है कि खेती जीवन में सबसे उत्तम काम है, सबसे अच्छा काम है, सर्वश्रेष्ठ काम है, और व्यापार करना मध्यम दर्जे का काम है, बीच के स्तर का काम है, और नौकरी करना किसी की भी ये सबसे निचले दर्जे का काम है, इसको कुत्ते जैसा काम माना गया है कि जो कुत्ता करता है वो काम नौकरी करने जैसा है.करे चाकरी कुकर निदान कुकर कुत्ते को कहते हैं तो हमारे यहाँ नौकरी करना सबसे खराब काम है व्यापार करना उससे थोड़ा बेहतर काम है और खेती करना सबसे अच्छा सबसे उत्तम काम है ये भारत में हजारों साल से चला आया लेकिन पिछले 25-30 वर्षों में कुछ उल्टा हो गया हमारे देश में पिछले 25-30 वर्षों में ऐसा हो गया है कि खेती सबसे खराब काम है व्यापार अभी भी मध्यम दर्जे पर है और नौकरी सबसे अच्छा काम हो गया है। इस देश में जो भी बेरोजगार किसी व्यक्ति को आप मिलेंगे और पूछेंगे भाई क्या करना चाहते हो तो नौकरी करना चाहता है। अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करके भी नौकरी ही करना चाहता है। बड़े-बड़े हमारे देश के विद्यार्थी बड़े-बड़े से मतलब जो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं5-7 साल लगातार मेहनत करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उनसे भी पूछो तो वो भी नौकरी करना ही चाहते हैं। किसी न किसी नौकरी में उनको जगह मिल जाए, सरकार की नौकरी हो या निजी क्षेत्र की हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, तो नौकरी इस समय सबसे अच्छा काम हो गया भारत में। व्यापार अभी भी मध्यम दर्जे पर है और खेती सबसे खराब काम हो गया। खेती सबसे खराब काम क्यों हो गया हमारे देश में? उसका कारण ये है कि जो खेती सबसे अच्छा हुआ करता था आज से 40 साल पहले वो अब सबसे खराब है क्योंकि खेती में खर्चा तो बहुत बढ़ गया आमदनी नहीं बढ़ी जिस अनुपात में खर्चा बढ़ा उस अनुपात में आमदनी नहीं बढ़ी हमारे किसान जो खेती करते हैं इस देश में उनका पिछले 20-25 वर्षों में कितना खर्चा बढ़ा है आप अंदाजा लगाना चाहें तो कुछ आंकड़े बताता हूँ हमारे किसान खेती करते हैं सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं वो यूरिया डीएपी सुपर फॉस्फेट सिंगल सुपर फॉस्फेट रासायनिक खाद खरीदने में ये जो रासायनिक खादें हैं पिछले सालों में कितनी महंगी हुई हैं 1990-91 में यूरिया का एक पैकेट लगभग 60-70 रुपए के बीच में आता था और एक पैकेट 50 किलो का होता था अब 2009 में वो यूरिया का पैकेट खरीदे तो लगभग 270 रुपए का आता है वो सरकारी आंकड़ा है और अगर गैर सरकारी आंकड़े की बात करूं तो यूरिया का 50 किलो का बोरा 350-400 रुपए तक भी बिकता जाता है हमारे देश में जिसको ब्लैक में बिक्री हम कहते हैं इसी तरह एक जमाने में 3-4 रुपए किलो तक डीएपी आता था अब वो डीएपी 23 रुपए किलो है एक जमाने में 2-2.5 रुपए किलो का सिंगल सुपर फॉस्फेट होता था 40 रुपए किलो है माने अगर आप इसको अनुपात में निकालें या गुने में निकालें तो यूरिया पिछले 10-15 वर्षों में 7 गुना महंगा हो गया डीएपी तो लगभग 8-9 गुना महंगा हो गया सिंगल सुपर फॉस्फेट 7-8 गुना महंगा हो गया इसी तरह से किसान के काम आने वाला डीजल जो कभी 3-3.5 रुपए लीटर बिका करता था अब 38-40 रुपए लीटर 10 गुना महंगा हो गया माने किसान के खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं 5 गुने 7 गुने 8 गुने 10 गुने और किसान जो रासायनिक कीटनाशक और जंतुनाशक खरीदते और इस्तेमाल करते रहे हैं जो जंतुनाशक जो रासायनिक कीटनाशक 100 रुपए लीटर 150-200 रुपए लीटर आते थे आज उनकी कीमत 15,000 रुपए लीटर तक पहुंच गई 20,000 रुपए लीटर तक हमारे यहाँ जंतुनाशक और कीटनाशक बिक रहे हैं तो सैकड़ों गुना महंगा किसानों के लिए जंतुनाशक कीटनाशक और कई गुना महंगी खाद रासायनिक
ये सब किसानों के खर्चे तो बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन खेती से होने वाली आमदनी उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है। किसान का गेहूं आज से करीब 15-16 साल पहले 7-8 रुपए किलो बिकता था, अब वो 10 रुपए किलो है। तो गेहूं के भाव में बढ़ोतरी मुश्किल से मुश्किल 15-20% हुई है, और रासायनिक खाद के भाव में बढ़ोतरी 7-8 गुना ज्यादा हो गई है। अगर प्रतिशत में आप निकालेंगे तो सैकड़ों प्रतिशत में वृद्धि हुई है खाद की कीमत में, लेकिन गेहूं की कीमत जो खरीदने वाली है सरकार के द्वारा 20% की ही वृद्धि हुई है। इसी तरह धान की बात करें, आज धान खरीदा जाता है सारे भारत देश में 700-800 रुपए क्विंटल, और आज से 12-13 साल 15 साल पहले तक खरीदा जाता था 500 रुपए क्विंटल। तो धान की कीमत में भी 20-25% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन धान पैदा करने के लिए जो यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट लगता है या कीटनाशक लगते हैं उनकी कीमतों में 700-800% की वृद्धि हो चुकी है। तो किसान जो बेचे उसकी कीमत तो ज्यादा बढ़ती नहीं है, किसान जो बाजार से खरीदे वो कई गुना ज्यादा महंगा हो गया है। तो पूरी की पूरी खेती घाटे में चली गई है। अब इस घाटे की खेती को करने में किसान की जो समस्या आ रही है वो ये कि वो जब भी खेती करता है, फसल निर्माण करता है, फसल उत्पादन होती है, बिक्री होते ही सारा पैसा किसान के हाथ से निकल जाता है। वो या तो खाद खरीदने वाली कंपनियों के जेब में, या कीटनाशक खरीदने वाली बेचने वाली कंपनियों की जेब में, या किसान के लिए बीज बेचने वाली कंपनियों की जेब में, किसान के पास कुछ नहीं बचता। तो दैनिक जीवन के काम चलाने के लिए किसान फिर कर्ज लेना शुरू करता है, फिर कर्ज का ब्याज भरना पड़ता है, फिर और कर्ज बढ़ जाता है, फिर और ब्याज देना पड़ता है। और आपको शायद जानकर ये तकलीफ होगी, दुख होगा कि भारत में किसान अकेला एक समूह है जो चक्रवर्ती ब्याज देता है कर्ज पर। हम शहरों में रहते हैं और शहरों में रहने के लिए मकान बनाना पड़ता है, बैंक से कर्ज लेते हैं, साधारण ब्याज दर पर हमें बैंक का कर्ज मिल जाता है। हम शहरों में रहते हैं, गाड़ियां चाहिए हमको, गाड़ी खरीदने के लिए साधारण ब्याज दर पे कर्ज मिल जाता है। लेकिन किसान अपने खेत में ट्रैक्टर अगर चलाने के लिए ट्रैक्टर खरीदे, बैल खरीदे, किसान जंतुनाशक खरीदे, कीटनाशक खरीदे, उसके लिए कर्ज लेना पड़े सहकारी संस्थाओं से, पत संस्थाओं से, तो चक्रवर्ती ब्याज पे कर्ज मिलता है किसानों को। और आप जानते हैं चक्रवर्ती ब्याज दुनिया में सबसे खतरनाक होती है। मैं एक दिन ऐसे ही मनोरंजन के लिए एक छोटा सा आकलन कर रहा था कि मैं अगर चक्रवर्ती ब्याज की दर पर कहीं से कर्ज ले लूं, मान लीजिए 1% की चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 100 रुपए का कर्ज मैं ले लूं, मात्र 1% की चक्रवर्ती ब्याज के दर पर 100 रुपए का कर्ज ले लूं, तो 250-300 साल में वो कर्ज इतना हो जाता है कि संपूर्ण भारत देश की पृथ्वी के बराबर का सोना अगर मैं वापस कर दूं तो कर्ज मुक्त नहीं हो सकता। इतना खतरनाक होता है चक्रवर्ती ब्याज का चक्कर। आप में से गणित के कोई विद्यार्थी रहे हो तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हमारा किसान इसी चक्रवर्ती ब्याज के चक्कर में फंसा हुआ है। इस देश का एक भी किसान भाई बहन ऐसा नहीं है जो कर्जदार न हो, क्योंकि खेती में उत्पादन के लिए जो खर्च है वो बहुत ज्यादा और बिक्री के लिए जो लाभ है वो बहुत कम, तो हर एक किसान कर्जे में फंसा है। उस कर्जे के दुष्चक्र में अंतिम नतीजा जो निकलता है किसान के लिए वो ये कि जब वो किसी भी तरह से कर्ज वापस करने की स्थिति में नहीं होता तो उसका घर गिरवी रखता है, उसकी जमीन गिरवी रखी जाती है, उसके पत्नी के गहने जेवर गिरवी रखे जाते हैं, दागीने गिरवी रखे जाते हैं, अंत में गाय बैल भैंस उसके गिरवी रख जाते हैं। और जब सब कुछ गिरवी रख जाता है उसके बावजूद कर्जदार उसके दरवाजे पर आकर, साहूकार उसके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है वसूली के लिए, तो किसान को अपनी इज्जत बचाने के लिए एक ही रास्ता है, वो आत्महत्या कर लेता है। हमारे भारत देश में सरकार के आंकड़ों के अनुसार 56,000 किसान हर साल आत्महत्या करते हैं इस देश में, और सरकार खुद मानती है जो FIR के रूप में दर्ज होते हैं वो 56,000 हैं। अगर FIR ना हो और किसानों की आत्महत्याएं हो, सरकार को पता ही ना चले, पुलिस को रिपोर्ट ना कराई जाए, ऐसी आत्महत्याओं को जोड़ा जाए तो वो लाख से ऊपर निकलता है। हमारे देश के जो राज्य जहां सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं
पंजाब है, उसके बाद हरियाणा है, फिर आप महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, ये ऐसे 6-7 राज्य सारे देश में बदनाम हो गए हैं किसानों की आत्महत्या के लिए। भारत सरकार समय समय पर आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों का सर्वेक्षण कराती है और उन परिवारों से पूछा जाता है कि आखिर अब बताइए आपके घर में परिवार में आत्महत्या क्यों हुई, तो सभी परिवारों के मुंह से एक ही जवाब सुनने को मिलता है, वो ये कि हमारी पूरी खेती गिरवी रख गई, हमारे गाय बैल भैंस गिरवी रख गए, घर के आभूषण गहने गिरवी रखे जा चुके हैं, संपत्ति के नाम पर हमारे हाथ में कुछ नहीं है और साहूकार का कर्ज अभी बाकी है वो देना है, बैंक का कर्ज अभी बाकी है वो देना है और फसल इतनी अच्छी हुई नहीं है कि हम कर्ज पूरा वापस दे सकें, अगली फसल करने के लिए भी जेब में पैसा नहीं है, अगली फसल के लिए कोई बैंक कर्ज देने को तैयार नहीं है क्योंकि पुराना कर्ज वापस करने की हमारी हैसियत नहीं है, उस स्थिति में क्या करें, आत्महत्या ही एक आखिरी उपाय बचता है। ये जवाब उन सभी किसान परिवारों के मुंह से सुनने को मिला है जिनके यहाँ आत्महत्या हुई है। आप जानते हैं महाराष्ट्र में विदर्भ नाम का इलाका है जहाँ पिछले 10 साल में रहता रहा वर्धा सेवाग्राम, ये विदर्भ तो सारे देश में बदनाम हो गया है किसानों की आत्महत्या के लिए। इसी तरह आंध्र प्रदेश का एक बहुत बड़ा इलाका है वरंगल के आसपास का, वो सारे देश में बदनाम हो गया है किसानों की आत्महत्या के लिए। पंजाब में भटिंडा के आसपास का पूरा इलाका है सारे देश में बदनाम है किसानों की आत्महत्या के लिए। केरल में कासरगोड का इलाका है पूरे देश में बदनाम है किसानों की आत्महत्या के लिए। कर्नाटक में उत्तरी कर्नाटक दक्षिणी कर्नाटक बदनाम हो रहा है किसानों की आत्महत्या के लिए। धीरे 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 ये बीमारी गहरी होती जा रही है। आखिर आप जरा सोचिए अपने दिल पर हाथ रखिए कि कोई किसान अपनी जिंदगी को खत्म कर ले, ये तो अंतिम फैसला है और ये अंतिम फैसला कितने बड़े दर्द के बीच वो करता होगा। कोई व्यक्ति सामान्य रूप से मरना नहीं चाहता, जिसने जीवन पाया है वो जीवन के आखिरी समय तक संघर्ष करता है जिंदा रहने के लिए, लेकिन किसान हमारे देश में इतना संवेदनशील बन गया है कि वो जीवन को ही खत्म कर लेता है एक मिनट में। और इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि हमारा किसान जिन दवाओं को लाता है कीड़े मारने के लिए, जंतु मारने के लिए, कीटनाशक मारने के लिए, उन्हीं दवाओं को पीकर वो खुद मर जाता है। इससे बड़ा अफसोस और विडंबना इस देश में क्या हो सकती है। और ये सारा का सारा दुष्चक्र हमारे देश में किसानों के कर्जे का, कर्जे में फंसकर आत्महत्या करने का, ये जुड़ा हुआ है खेती के घाटे से और खेती का घाटा जुड़ा हुआ है उस व्यवस्था से जिसमें किसान के काम आने वाला यूरिया डीएपी सुपर फॉस्फेट तो महंगा होता जाए, कीटनाशक जंतुनाशक तो महंगा होता जाए, किसान के बीज तो महंगे होते जाएं, लेकिन किसान के द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं लगातार सस्ती से सस्ती बिकें और कम से कम पैसा किसानों को मिले। कारण क्या है इसका? किसानों के द्वारा जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं हैं, गेहूं, चना, दाल आदि आदि सैकड़ों हजारों किस्म की चीजें किसान भाई पैदा करते हैं, इनका सस्ते से सस्ता बिकने का कारण है अंग्रेजों सरकार के द्वारा बनाया गया एक कानून जो भारत में आजादी के 63 साल के बाद भी चल रहा है। और वो कानून का नाम है एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन एक्ट। इस कानून में व्यवस्था ये है कि किसान जो भी कुछ पैदा करेंगे उसका भाव किसान खुद तय नहीं करेंगे, सरकार उसका भाव तय करेगी। और सरकार जब इसका भाव तय करती है खेती के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का, तो उसमें सबसे बड़ा धोखा किसानों के साथ होता है वो ये कि किसान जो गेहूं, चना, चावल, दाल आदि पैदा करता है, इसको पैदा करने के लिए किसान जो मेहनत करता है, जो श्रम करता है, उस श्रम का, उसकी मेहनत का मूल्य सरकार उसको नहीं देती है। कितनी बड़ी विडंबना है इस देश की कि किसान साल में 365 दिन खेत में काम करता है और उसको जब फसल का भाव तय करने के लिए सूत्र बनाया जाता है उसमें किसान की मेहनत सिर्फ 2.5 से 3 महीने की जोड़ी जाती है, जबकि किसान पूरे साल खेत में काम करता है। 365 दिन खेत में काम करता है किसान और 120 दिन की उसके श्रम की कीमत उसके फसल के मूल्य को तय करने में जोड़ी जाती है। मतलब सीधा सा ये है कि 8 से 9 महीने का किसान का जो श्रम है वो बेगार का श्रम होता है, वो बिना किसी पैसे के सरकार के द्वारा गणना उसकी कर दी जाती है। एक तो सबसे बड़ा धोखा ये है
कि 365 दिन किसान काम कर रहा है उसका श्रम सिर्फ 3 से 4 महीने का जोड़ा जाएगा। दूसरा धोखा किसानों के साथ ये होता है वो ये कि किसान जो खेत में मेहनत करता है उस श्रम का मूल्य भारत में सबसे कम लगाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति बैंक में नौकरी करे चतुर्थ क्लास कर्मचारी होने की स्तर की, उसका भी श्रम का मूल्य किसानों से ज्यादा है। हमारे देश के बैंक में काम करने वाला चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी एक दिन में बड़े आराम से 300 से 400 रुपए अपनी मेहनत का श्रम का मूल्य पा लेता है, लेकिन किसान को अपनी मेहनत का अपने श्रम का एक दिन का मूल्य 100 रुपए से ज्यादा कभी सरकार के द्वारा दिया नहीं जाता। और ये 100 रुपए भी पिछले 2-3 वर्षों में हुआ है। 2-3 वर्ष पहले तक तो 60 रुपए ही गिना जाता था किसान की मेहनत का एक दिन का मूल्य। और इससे भी बड़ा दुख है, अफसोस है, वो ये कि किसान काम करता है खेत में अकेले नहीं, पूरे परिवार के साथ, लेकिन जब उसके श्रम का मूल्य जोड़ा जाता है तो सिर्फ अकेला, उसका पूरा परिवार काम करता, उसकी पत्नी काम करती है, बच्चे काम करते हैं, उनका श्रम का मूल्य सरकार जोड़ती ही नहीं है उसमें। और इस कारण से खेती के द्वारा पैदा होने वाली हर चीज इस देश में बहुत सस्ती है। गेहूं 10-11 रुपए किलो, चावल 6-7 रुपए किलो में सरकार खरीद लेती है, कपास वगैरह 12 से 15 रुपए किलो में खरीद लिया जाता है, बहुत आंदोलन हो तो 20 रुपए किलो का भाव मिल जाता है, शुगर केन गन्ना वो सबसे सस्ता खरीदा जाता है इस देश में किसानों के खेतों में से। और सबसे एक और मुश्किल की बात है कि किसानों से ये सब सरकार खरीद लेती है और उसका भुगतान एक एक साल तक किसानों को नहीं होता। आप सब महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, गन्ना बेचने के लिए किसान जो जो मिलों में जाता है, शुगर मिल में जाता है, वहां के रिकॉर्ड्स आप चेक कर लीजिए, किसी भी किसान को कोई भी शुगर मिल तुरंत भुगतान नहीं करती, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, साल भर के बाद, कहीं कहीं तो 2-2 साल के बाद। और ये जो महाराष्ट्र की कहानी है वो पूरे देश की कहानी है। कपास बेच देते हैं किसान, 6-6 महीने साल साल भर उनका भुगतान नहीं होता है, सरकार उसको बेचकर मुनाफा कमाती रहती है, धंधा करती रहती है, किसान की जेब में पैसा नहीं आ पाता। तो इन सब कारणों से किसान की आमदनी हमेशा कम रहती है और खर्चे उसके हमेशा से ज्यादा रहते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है, आप इसको दूसरे तरीके से सोचने की कोशिश करिए कि अगर मैं किसान हूं, आप किसान है, बाजार में जाकर एक साबुन खरीदे 15 रुपए का, तो 15 रुपए का 100 ग्राम साबुन खरीदने के लिए 1.5 किलो गेहूं बेचना पड़ जाएगा। 15 रुपए का 100 ग्राम साबुन खरीदने के लिए कम से कम 2 किलो धान बेचना पड़ जाएगा। अगर 1.5 किलो गेहूं का मूल्य हम जांचने की कोशिश करें तो 1.5 किलो गेहूं से अगर आटा बना दिया जाए, आटे की रोटी बना दी जाए, तो 2 परिवार के लिए पर्याप्त होगी। तो जितने में 2 परिवार का पेट भर जाएगा उतने रुपए का गेहूं बेचकर 100 ग्राम साबुन हम बाजार से खरीद पाएंगे। मतलब सीधा सा ये है कि साबुन का मूल्य और उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, गेहूं का मूल्य और उसकी कीमत बहुत कम है। कारण उसका यही है, साबुन पैदा करने वाले जो उद्योगपति हैं उनको साबुन का भाव तय करने का अधिकार है, किसान गेहूं पैदा करता है, धान पैदा करता है, उसको अपना भाव तय करने का ही अधिकार नहीं है। और तय भी करे तो सरकार इस फॉर्मूले से तय करती है कि उद्योगों में पैदा होने वाली वस्तुओं की कीमतें अलग तरीके से तय की जाती हैं, खेती में पैदा होने वाली चीजों की कीमतें बिल्कुल अलग तरीके से तय की जाती हैं। उद्योगों में जो श्रमिक काम करते हैं उनका श्रम मूल्य बाजार के हिसाब से होता है और किसान जो खेतों में काम करता है उनका श्रम मूल्य सबसे कम होता है। इसलिए किसान के ऊपर ये अत्याचार है और इसलिए खेती अभी घाटे का सौदा होती चली जा रही है। खेती के घाटे का सौदा होने का जो सबसे बड़ा कारण हम लोगों को समझ में आता है वो ये कि किसान के द्वारा खरीदा जाने वाला रासायनिक खाद, जंतुनाशक, कीटनाशक, ये उनका सबसे बड़ा खर्चा है। एक औसतन अगर मैं बात करूं तो किसान की जिंदगी की आमदनी का 60% हिस्सा रासायनिक खाद खरीदने में चला जाता है, 20% हिस्सा जंतुनाशक और कीटनाशक खरीदने में चला जाता है, और बाकी का जो 20% बचा हुआ किसान का हिस्सा होता है वो उसकी दैनिक जीवन के काम करने में खर्च हो जाता है। बेटे बेटियों का विवाह करना है, उनकी पढ़ाई करनी है, मुकदमेबाजी है, उसमें बिजली का बिल है और दूसरे तरह के खर्चे में बाकी 20% निकल जाता है। किसान के पास जमा कुछ भी नहीं बचता, इसलिए वो हमेशा कर्जदार रहता है। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है, किसान की जिंदगी के जीवन के खर्चे को अगर हम अलग कर दें जो 20% का है, तो बाकी का जो 80% का खर्चा किसान की जिंदगी का है वो तो रासायनिक खाद, जंतुनाशक और कीटनाशक का
का ही है। और पिछले आजादी के 40-45 वर्षों में खासकर किसानों के बीच में सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार किया गया है, वो ये कि किसान अगर रासायनिक खाद नहीं डालेंगे तो उत्पादन नहीं होगा, कीटनाशक नहीं डालेंगे तो फसल खत्म हो जाएगी, जंतुनाशक नहीं डालेंगे तो फसल चौपट हो जाएगी। तो पिछले 40 साल से भारत के बहुत सारे कृषि वैज्ञानिक और कृषि विश्वविद्यालय हमारे किसानों को ये समझाते चले आ रहे हैं कि आपको तो रासायनिक खाद डालना ही पड़ेगा, आपको तो जंतुनाशक डालना ही पड़ेगा, कीटनाशक डालना ही पड़ेगा, बिना उसके खेत में उत्पादन नहीं होगा। तो ये जो डर और भय हमारे किसान भाइयों के मन में बैठ गया, इस डर और भय का अंतिम दुष्परिणाम ये है कि किसानों की जिंदगी का 80% खर्चा रासायनिक खाद, कीटनाशक और जंतुनाशक में जा रहा है। भारत के बारे में जरा जानने की कोशिश करें कि ये रासायनिक खाद, कीटनाशक, जंतुनाशक कितने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है और इसका अंतिम परिणाम क्या हो रहा है। तो भारत सरकार के सन 2004-2005 के जो आंकड़े हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि अभी 2008 और 2009 के आंकड़े सरकार ने जारी नहीं किए हैं, जो सबसे लेटेस्ट सरकार के डेटा हैं, स्टेटिस्टिक्स हैं, वो 2005 और 2004 के हैं। वो ये बताते हैं कि हर साल भारत के किसान अपने खेतों में 1,90,00,000 मीट्रिक टन रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल देते हैं। यूरिया, डीएपी, डाइअमोनियम फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये सब तरह की रासायनिक खाद मिलाकर 1,90,00,000 मीट्रिक टन। अगर इसको हेक्टेयर के हिसाब से निकाला जाए तो भारत के एक हेक्टेयर खेत में लगभग हर साल 114 किलोग्राम रासायनिक खाद डाली जाती है एक हेक्टेयर खेत में। और अगर इसको बाहर से आने वाली खाद के साथ जोड़ दिया जाए, सरकार का ये कहना है कि 1,90,00,000 मीट्रिक टन खाद पूरी नहीं पड़ती, इसमें कमी आती है, तो करीब 40,00,000 मीट्रिक टन रासायनिक खाद सरकार हर साल विदेशों से आयात करती है, और वो भी इसमें जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा और बड़ा हो जाता है। अब ये पूरी की पूरी खाद जो हमारे खेतों में डाली जा रही है इसका मूल्य कितना है, और इसके साथ जो कीटनाशक डाले जा रहे हैं उसका मूल्य कितना है, वो भी सरकार के आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो खाद डालते हैं रासायनिक, यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट आदि आदि, इसके बारे में सभी वैज्ञानिकों का जो शोध है वो ये कहता है कि जितनी ज्यादा रासायनिक खाद आप डालेंगे उतने ही ज्यादा जीव जंतु आपके खेत के फसल को बर्बाद करेंगे। ये बड़ा अजीब सा है, ये जो संबंध है ना, खाद ज्यादा डालो तो ज्यादा से ज्यादा कीड़े आएंगे, ज्यादा से ज्यादा जंतु आएंगे। अब ज्यादा से ज्यादा जंतु आएंगे तो उनको मारने के लिए फिर जंतुनाशक और डालो, फिर कीटनाशक और डालो, माने खाद ज्यादा डालने का दुष्परिणाम ज्यादा जहर डालना अपने खेत में जंतुनाशक और कीटनाशक के रूप में। हमारे देश के सरकारी आंकड़े बताते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के 1950-52 में हमारे देश के एक हेक्टेयर खेत में मुश्किल से 3 किलो रासायनिक खाद पड़ती थी, तब हमारे देश में जंतुनाशक और कीटनाशक सबसे कम बिकते थे। अब हमारे देश के एक हेक्टेयर खेत में 114 किलोग्राम खाद पड़ जाती है तो जंतुनाशक और कीटनाशक सबसे ज्यादा बिकते हैं। मतलब सीधा सा ये है कि पिछले 1952 से 2009 के बीच में जितना ज्यादा यूरिया, डीएपी हमने खेत में डाला है उतना ही ज्यादा कीटनाशक और जंतुनाशक डालने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि उतने ही ज्यादा कीड़े हमारी फसल पर लगना शुरू हुए हैं। ये चक्कर क्या है ये जरा समझना चाहिए, सरल शब्दों में मैं समझाना चाहता हूँ। होता क्या है कि जब हम यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट खेत में डालते हैं तो खेत की मिट्टी में किसान की मदद करने वाले, फसल की मदद करने वाले करोड़ों करोड़ों जीव होते हैं। आपने बचपन में थोड़ा भी विज्ञान पढ़ा होगा, कृषि विज्ञान, तो आपने दो शब्द पढ़े होंगे, एक मित्र जीव और एक शत्रु जीव, एक मित्र कीट और एक शत्रु कीट। हमारे खेत की मिट्टी में किसानों की मदद करने वाले भी जीव हैं और किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले भी हैं। जब हम यूरिया, डीएपी ज्यादा डालते हैं तो किसानों की मदद करने वाले जो मित्र कीट होते हैं वो सब मर जाते हैं, मित्र जीव सब मर जाते हैं, और उनके मर जाने के कारण जो शत्रु कीट और शत्रु जीव हैं वो फसल पर हावी हो जाते हैं और फसल को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और किसानों को वो नुकसान से बचने के लिए फिर बहुत ज्यादा कीटनाशक और जंतुनाशक डालना पड़ता है और उससे खेती का खर्च बहुत बढ़ता चला जाता है। हमारे देश के
खेतों में 1,90,00,000 मीट्रिक टन जो रासायनिक खाद डाला जा रहा है उसके कारण हर साल 90,000 मीट्रिक टन कीटनाशक और जंतुनाशक डालना पड़ता है। अब 90,000 मीट्रिक टन जंतुनाशक और कीटनाशक हम खेत में डाल देते हैं और 1,90,00,000 मीट्रिक टन रासायनिक खाद डाल देते हैं, दोनों जहर अगर मिला लिया जाए तो ये कहां पहुंचेगा और किस स्तर पर हमको प्रभावित कर रहा है, इसको जरा समझें। हमारे भारत में 115 करोड़ लोग रहते हैं जो भोजन करते हैं। आपको मालूम है जितना रासायनिक खाद जंतुनाशक कीटनाशक हम खेत में डालेंगे वो सब मिट्टी में जाएगा, मिट्टी से पौधों की जड़ों में आएगा, पौधों की जड़ों से तने में आएगा, पत्ते में आएगा, फल में आएगा और अंतिम रूप से वो आपके पेट में आएगा। अगर खेत में गेहूं पैदा किया गया यूरिया डीएपी से और उसमें कीटनाशक जंतुनाशक डाला गया तो उस गेहूं को जो भी खाएगा उसके पेट में वो कीटनाशक जहर जाएगा ही, उसके पेट में वो रासायनिक खाद का जहर जाने ही वाला है। इसी तरह से धान के खेत में, इसी तरह से दालों के सब्जियों के खेत में, जो भी खेत में आप डालेंगे अंतिम रूप से वो आपके पेट में आने वाला है। तो उस हिसाब से कुछ मैंने निकालने की जानने की कोशिश की तो पता ये चला कि एक साल में जितना कीटनाशक हमारे खेतों में डाला जाता है और एक साल में जितना यूरिया डीएपी रासायनिक खाद खेतों में डाला जाता है अंत में वो हमारे पेट में आता है, तो भारत देश के हर व्यक्ति के पेट में साल में 1 किलो 700 ग्राम तो रासायनिक खाद चला जाता है, 1 किलो 700 ग्राम। और कीटनाशकों का जो जहर है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का वो करीब करीब 200 ग्राम हमारे हर व्यक्ति के पेट में चला जाता है। माने हर साल भारत का व्यक्ति 1 किलो 700 ग्राम तो यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट खा रहा है और करीब 200 ग्राम भारत का हर व्यक्ति कीटनाशक जंतुनाशक जिनको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं क्लोरोपाइरीफॉस, डाइक्रोमेट, मोनोक्रोटोफॉस, डीडीटी, एंडोसल्फान, मेलाथियन, पैराथियन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड आदि आदि नामों से जिन कीटनाशक और जंतुनाशकों को हम जानते हैं, ये हर साल हर व्यक्ति के पेट में 200 ग्राम जा रहे हैं और रासायनिक खाद के रूप में 1 किलो 700 ग्राम जा रहे हैं। अब ये अलग बात है कि भगवान ने आपको दो अच्छे से किडनी दे रखी है जो इस जहर की सफाई करती रहती है, और अगर जहरीले कीटनाशक और जंतुनाशक की बात करें तो किलो किलो, क्विंटल के क्विंटल 100 साल की उम्र तक आदमी खाता ही है। और इसका अंतिम दुष्परिणाम क्या है कि आप जब ये यूरिया खा रहे हैं, डीएपी खा रहे हैं, सुपर फॉस्फेट खा रहे हैं और जहरीले कीटनाशक जंतुनाशक खा रहे हैं तो अंत में आपके शरीर को जो बीमारियां हो रही हैं और उससे जो मौतें पूरे देश में हो रही हैं वो हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक है। हमारे देश में 5 से 7 लाख लोग कैंसर से हर साल मर रहे हैं, सरकार के आंकड़े हैं और रिपोर्टेड केस है। हमारे देश के आईसीएमआर के डॉक्टर कहते हैं कि अनरिपोर्टेड केस को जोड़ लें तो ये 10 लाख से भी ऊपर निकल सकते हैं। हमारे देश में करोड़ों लोग डायबिटीज के शिकार हैं, करोड़ों लोगों को हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, करोड़ों लोगों को अस्थमा है, दमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, कंधों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है। आपको मालूम है किडनी फेलियर के लाखों लाखों जो केस हमारे यहाँ आ रहे हैं, ये सारी की सारी बीमारियों के जड़ में अगर कोई है तो रासायनिक खाद कीटनाशक और जंतुनाशक का भोजन जो रोज आप खा रहे हैं। हर आदमी हिंदुस्तान में 0.5 मिलीग्राम जंतुनाशक रोज खा जाता है, चाहे सब्जी को कितना भी धोकर आप पकाएं। आप सभी माताएं बहनें ये कहेंगी हम तो सब्जी को बहुत अच्छे से धो लेते हैं और बहुत अच्छे से गर्म पानी में धो लेते हैं, कई कई बहनें तो उनको कुछ घोल डालकर पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में डालकर धो लेती हैं। आप कितना भी धो लीजिए 0.5 मिलीग्राम जहर तो रोज जाना ही है आपके शरीर में सब्जियों के माध्यम से, और यही जहर इकट्ठा होते होते आपको भयंकर बीमारियों का कारण। हमारे देश में कई विशेषज्ञों ने कुछ गंभीर शोध किए हैं, मैं उनकी 2-3 बातें जो बहुत महत्व की हैं आपसे कहना चाहता हूं कि आजकल हमारी माताओं में और पुरुषों में नपुंसकता की जो बीमारी बहुत तेजी से बढ़ी है, बहुत सारी माताएं, बहुत सारे पुरुष बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं, संतान का सुख लेने में असमर्थ हैं, इसका मूल जो कारण है वो जंतुनाशक और कीटनाशक का भोजन है। फिर हमारे देश में ब्रेन कैंसर, फिर हमारे देश में ब्लड कैंसर,
इन दोनों के सबसे ज्यादा जो केसेस बढ़ रहे हैं उसका कारण जंतुनाशक, कीटनाशक और जहरीला रासायनिक भोजन है। फिर हमारे यहाँ डायबिटीज के बारे में सबसे ज्यादा शोध की है।